वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम आदि जनवडी से तपाद आदि जनवडी मोटर प्रति की दिशा पर वाके बिबुल गुडे जय करोन आदि जनवडी मोटर प्रति की दिशा पर वाके बिबुल गुडे जय करोन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह तुम्हारे जरा हजार हजार स्वागत मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह तुम्हारे जरा हजार हजार स्वागत विजय मोटर प्रति की दिशा पर मां तुम्हारे जरा हजार हजार स्वागत प्रदेश सभापति राजीव पटेल तुम्हारे जरा हजार हजार स्वागत राजीव पट्टाचार्य पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसन मनोनीत प्रार्थी श्रीमती महारानी कृति देव वर्मा महोदय सामने उपस्थित जुड़े करो स्वागत महाराजा प्रद्युत किशोर मानिक्य बहादुर तथा जनजातिपुरा लोकसभा आसने प्राक्तन सांसद जनजाति मोर्चार अन्यतम नेता रेवती त्रिपुरा महोदय मंचे आसार जो आवेदन जाना आजकल नमिनेशन सबमिशन प्रोग्रामे मध्य त्रिपुरा सरकार मंत्रिसभा गुरुत्वपूर्ण मंत्री द्वारा रहे तक मंचे आसार जो आवेदन जाना पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसने भारतीय जनता पार्टी मनोनीत प्रार्थी श्रीमती महारानी कृति सिंह देववर्मा महोदय किछुक्षण मध्य नमिनेशन सबमिट कर उनार समर्थने आपनारा जारा एखाने उपस्थित हयेछेन सबाइके अनुरोध करब दया करे सुशृंखल भावे এই কর্মসূচিতে আপনারা অংশগ্রহণ করবেন ইতিমধ্যে আমাদের অনুষ্ঠান সূচি শুরু হতে যাচ্ছে আমি আজকের এই অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখার জন্য প্রদেশ ভারতীয় জনতা পার্টির সম্মানিত সভাপতি আমাদের সবার প্রিয় আদরণীয় রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়কে স্বাগত বক্তব্য রাখার জন্য বিনীতভাবে আবেদন জানাই আমরা সবাই জানি আরে তোমারটা একটু আমাদের হইছে নি ভাই पूर्व त्रिपुरा आसने जे आमादेर लोकसभा निर्वाचन आगामी 26 एप्रिल संगठित होबे आज के तार नमिनेशन आमरा दाखिल करते जाच्छि आमादेर प्रार्थी महारानी कृति सिंह देववर्मा महोदय नेतृत्वे आमरा एई सुविशाल मिछिलेर माध्यमे आमरा मनोनयन पत्र जमा दिते जाब और এই মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের রাজ্যের माननीय मुख्यमंत्री प्रफेसर ডক্টর মানিক সাহ মহোদয় আমাদের ত্রিপুরা মাতার সুপ্রিমো আমাদের সভাপতি আমাদের মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মহোদয় কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয় প্রকাশ সিং দেববর্মা মহোদয় এবং যারা এখানে উপস্থিত হয়েছে প্রত্যেককে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এখানে বক্তৃতা দেওয়ার বিষয় না আজ
पूर्व त्रिपुरा आसने राम भाषा रैली प्रमाण कर दिए चार तारीख अपेक्षा करते हैं। आज के नमिनेशन पर जार जार बाड़ी होलि खेले चार तारीख रेजल्ट अपेक्षा करते हैं रेजल्ट आज के प्रमाण कर दिए भाषा महाराज और हम लोग और हमारा सीएम की साहब जब गाड़ी में आ रहे थे तो हमारा प्रद्युत जी ने बोल रहा था कि हम लोग ये अलायंस लेके आगे भी चलेंगे तो 28 का पत्ता भी काट दिया है आज वो मिसाइल में प्रमाणित हो गया है। मैं तो बोलता हूँ हम लोग रहेंगे, हम लोग एकजुट होंगे, त्रिपुरा को आगे बढ़ाएंगे। हमारा मुख्यमंत्री का जो नारा है एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, इसमें सब मिलके बीजेपी सब मिलके सब जनजाति बंगाली सब मिलके हम लोग त्रिपुरा को उन्नयन करेंगे, ये संकल्प आज इस मंच से हम लोग लेने वाला है। साथियों ये भाषण देने का जगह नहीं है, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, अभी हमारे नॉमिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। हम लोग जो आज ताकत दिखाया है, आज जो हमारा विरोधी दल है इनका भी आंखें खुले रह जाएंगे, लेकिन हम लोगों को भी चौकन्ना रहना है, हम लोगों को भी चौकन्ना रहना है। उन लोगों के बीच में हम लोगों को उलझना नहीं है, और जो हम लोगों को उंगली करेगा वो भी हम चुप रहने वाला नहीं है। मैं कार्यकर्ता को सबको बोल रहा हूँ सब मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे और 26 अप्रैल हमारा चुनाव का जो दिन है हम सब जगह में हमारा कृति सिंह देवर्मा को कमल खिला के हम लोग मोदी जी को उपहार देंगे, ये संकल्प लेके हम लोग काम करेंगे। ये सब कहने के बाद सबको वीर से स्वागत करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, नमस्कार। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি রাজ্য সভাপতি আজি পটাজি মহোদয় করার জন্য আলু বক্তব্য রাখার জন্য। আমি বিনীতভাবে আবেদন জানাচ্ছি আমাদের কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়ের সমর্থনে যার সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা রয়েছে রাজ্যের জাতি জনজাতি সবার প্রিয় নেতা মহারাজা বুদ্ধ বক্তব্য রাখার জন্য। हेलो सुनाई दे रहा है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं? अभी भी सुनाई नहीं दे रहा। आपको सिर्फ सुनना नहीं है, किसी और को सुनाना भी है। द पावर ऑफ एकता, द पावर ऑफ थंसा। आज मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह को, उनके साथ बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट राजीव जी को, टिंकू रॉय जी को, हमारे अपने बुगुनबारा विकास मिनिस्टर को, मेरी बहन को, दोनों बहन को, एक जो प्रार्थी है और एक प्रार्थी नहीं है, मैं आप सबको पहले खुलूखा कहना चाहता हूं और उसके बाद आम खुलूमा कामिया फारोक जिबाई सब लोग जो सवाल पूछ रहे थे कि किसी ने सरेंडर किया, कोई जीता कोई हारा। यहां में प्रमाण होता है अम्बासा में कि बीजेपी और टीपरा मोथा आईपीएफटी तीनों
कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं त्रिपुरा को ठीक करने के लिए। आज से कुछ हफ्ते पहले देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने हम सबको आश्वासन दिया था कि 75 साल में जो गलती हुए हैं उसको सुधारेंगे और सब एक संग होकर अब दो कदम आगे ले जाएंगे हमारे कल्याण के लिए, तिपरासा का कल्याण के लिए, लेकिन किसी के खिलाफ नहीं। उन्होंने जो कहा है, जो गारंटी दिया है, सिर्फ हमको नहीं दिया, एक बंद कमरे में नहीं दिया, के सामने हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने सबके सामने उन्होंने ये बात रखा है। आज सवाल जो कम्युनिस्ट उठाता है कि कहां से तिपरा मोथा आईपीएफ की और बीजेपी का जोट है, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं कांग्रेस में था, मेरी माता जी थी, मेरे पिताजी थे, मेरी बहन थी। आज आप मेरे ऊपर सवाल मत करो, जो भी मैं करता हूं। मैंने कहा राइटिंग में मिलेगा तब होगा, राइटिंग में मिला। आप आज सीपीएम के संग अलायंस कर रहे हो, आपको राइटिंग में क्या मिला है सीपीएम से कि आज जिस पार्टी ने 25 साल तक हमको दबा के रखा, आज जिस पार्टी ने हमारे लोगों को नौकरी नहीं दिया, आज जिस पार्टी ने हमारे लोगों को गरीब रखा, हमको वंचित किया, आज आपने पूरा ईस्ट त्रिपुरा तोहफे में आपने सीपीएम को दे दिया। अरे भाई, आप लोग राजनीति करते हो, हम लोग राजनीति तोहफा के लिए काम करते हैं। आपने अपना तोहफा को भी दिया। क्या पावर, क्या शक्ति अगर आपके अंदर ईमान ना हो, क्या पावर, क्या पोजीशन अगर आपका तोहफा के लिए आपके लिए प्यार ना। मैं इस अम्बासा के भूमि से आपको बोलना चाहता हूं, आने वाले दिन में जो वादा किया गया था उसको पूरा करने के लिए हमें फाइट नहीं, हमें रिजल्ट्स चाहिए, हमें झगड़ा नहीं, हमें इसका एक रिजल्ट चाहिए। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? आंसर्स। आज एक ही मंच में आपने कहा है बीजेपी और मोथा आई, लेकिन खानसा का और एक मतलब है। खानसा का मतलब है जब आईपीएफ की जनजाति मोर्चा, जनजाति मोर्चा में अपना संतना विकास, अपना एक एस एम पी साहब यहाँ आइए, भाई आई आई भाई, भारत माता की, भारत माता की। देखो, मैं नहीं जानता हूं क्या होता है, हम लोग कुकुम्बारा लोग ना फाइट भी ओपनली करता है और जब मिलता भी है तो ओपनली मिलता है। ये सस्ता राजनीति नहीं करना है। अगर तिपरा साहब को अधिकार देना है तो तिपरा साहब को खानसा रहना पड़ेगा। विकास उठो यार, लास्ट में मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बहुत मतलब सोबर के तरीके के इंसान है, छोटी मुंह बड़ी बात मुख्यमंत्री जी, लेकिन ये जो अकॉर्ड साइन हुआ, मैं जानता हूं कि डॉक्टर मानिक शाह जी खुद दिल्ली में 3-4 बार फोन करके इन्होंने हमारे तिपरा साहब के लिए भी बात किया, मुझे हर कदम में हेल्प किया, इनको भी बेलाए बेलाए नो हम भाई बोल दिखाई, हम भाई सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलना पड़ेगा, हम भाई, हम भाई। लोग जाने का है, और टिंकू बोल रहा है कि हमको जाना है,
मेरी बहन यहाँ पे है प्रार्थी, इनको जिताना है। और जैसे राजीव ने कहा कि इस बार कॉन्टेस्ट नहीं होगा, इस बार हम लोग अपना जो हमारा दोहा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे स्टेट के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा और हम अपने जाति को, अपने राज्य को, सबको उठाकर एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा करेंगे। लास्ट में मैंने सुना भारत माता की जय, मैंने सुना तीपरा सा आई लॉकडाउन, जिस दिन हमारे तीपरा मोथा भी बोलते भारत माता की जय, और जिस दिन बीजेपी भी बोलते तीपरा हा आई लॉकडाउन, उस दिन আজকে আমাদের
भारतीय जनता पार्टी आईपीएफटी एवं मोता जो अलायंस हो आशीर्वाद के लिए आपको घर घर में जाइए और सब